कहानी में अब पाखी को सबक मिलने वाला है, क्योंकि पाखी साइन तो करवा लेगी अपनी माँ से और पहुँचेगी स्कूल, तो स्कूल में उसके साथ किया जाएगा गंदा बर्ताव और साथ ही स्कूल से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। जी आपको बता दें कि अनुपमा के साथ साथ पाखी को भी निकालने वाले हैं और प्रिंसिपल बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है और अनुपमा को धोखा देने वाली है। ऐसे में पाखी को भी एहसास हो जाएगा कि उसकी माँ जो कर रही थी वो बहुत सही थी। जहाँ अपनी माँ को गले लगा कर फूट फूट कर रोती हुई नजर आएगी पाखी और माफ़ी भी मांगती हुई नजर आने वाली है। ऐसे में वनराज क्या करेगा, कैसे अपनी बेटी को संभालेगा और अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद होने से कैसे बचाएगा, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल ने खेल दिया है बहुत बड़ा खेल जिसमें स्कूल के अथॉरिटीज़ भी शामिल है, जो नहीं चाहते हैं कि अनुपमा अपनी गवाही दे और मीडिया वालों को कुछ भी बताए। कल आगे की अपडेट आप तक पहुंचा देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए।